हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश, और क्लास 10 इंग्लिश में हमने करेक्ट फॉर्म स्टार्ट कर रखा है। उसके दो पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उनको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस करवाया था और सेकेंड पार्ट में मैंने आपको पास्ट टेंस करवाया था। आज इस वीडियो में, आज इस पार्ट में, ये हमारा तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में हम फ्यूचर टेंस से जो आपके फ्यूचर सिंपल हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस हैं और फ्यूचर परफेक्ट है, इनकी जो आपके एडवर्ब है और इनसे संबंधित जो आपके करेक्ट फॉर्म आती है एग्ज़ाम में, उन पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले है आपके फ्यूचर सिंपल टेंस, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस में आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ याद करनी है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, उसकी जो सहायक क्रियाएँ हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, आपके सहायक क्रिया। अब फ्यूचर सिंपल टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, एक तो आपके विल है और एक आपके सेल है। ओके, विल और सेल। अब हम इनके यूज की बात करें, इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो विल का प्रयोग, अब देखिए यहाँ पर एकवचन और बहुवचन से संबंधित नहीं है कि विल का प्रयोग एकवचन के लिए करेंगे और सेल का प्रयोग बहुवचन के लिए करेंगे, तो वो बात नहीं है इसमें, वो आपको अच्छे से याद करना है। अगर आपका सब्जेक्ट, अगर आपका कर्ता आई है या वी है, अगर आपका सब्जेक्ट या कर्ता आई या वी है, आई का मतलब क्या होता है, मैं, आई का मतलब क्या होता है, मैं, और वी का मतलब क्या होता है, हम। ओके, ये आपको दोनों ही अच्छे से आपके माइंड में अच्छे से तैयार होना चाहिए कि आई और वी, अगर आपका सब्जेक्ट आई है या वी है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। अगर अदरवाइज कोई सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो ये बात आपको अच्छे से याद करनी है, अगर सब्जेक्ट आपका आई है या वी है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके वर्ब, वर्ब का मतलब होता है आपके क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, और क्रिया है इसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका प्रयोग करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का, और हेल्पिंग वर्ब है आपके विल और सेल। अब विल का प्रयोग अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट है आई और वी को छोड़कर, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में जितने भी अदरवाइज आपके सब्जेक्ट हैं उसके लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। अब इनके रूल है, तो रूल आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप रूल को अच्छे से याद कर लेते हैं तो जो आपके करेक्ट फॉर्म आते हैं, ये जो रिक्त स्थान आते हैं, उनको आप आराम से फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आपके भविष्यकाल की घटना, यानी भविष्यकाल की कोई भी घटना हो, जैसे कोई भी सन हो, जैसे अब प्रेजेंट की हम बात करें तो 2020 है, अगर हम भविष्य की बात करें तो 2022 है, 2024 है, तो ये सन है आगे के, नेक्स्ट टाइम की हैं, तो ये सब घटनाएँ हैं, ये सब इवेंट है, ये आपके भविष्यकाल में आती हैं। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट आपके टुमारो, तो टुमारो का मतलब क्या होता है, आपके आने वाला कल, यानी भविष्य की घटना ये भी। उसके बाद में नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। ओके, इसके साथ में कोई भी वर्ड आपके जुड़कर आ सकता है, जैसे डे आ सकता है तो नेक्स्ट डे हो गया, अगर नेक्स्ट मंथ आता है, अगर नेक्स्ट वीक आता है या ईयर आता है, यानी नेक्स्ट के साथ कोई भी शब्द जुड़ के आ सकता है, कोई भी वर्ड जुड़ के आ सकता है, तो वो आपके कौन से टेंस में माना जाएगा, भविष्यकाल में माना जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है आपके एक नंबर पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि माई फादर, उसके बाद में आपको रिक्त स्थान दिया गया है, और कोष्टक में है आपके वर्ब, वर्ब यहाँ पर क्या है, गो है, टू दिल्ली टुमारो। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है। ओके, उसके बाद में आपको एडवर्ब देखना है, या एडवर्ब वो कौन से टेंस की है, अगर प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट के रूल लगेंगे, अगर पास्ट की है तो पास्ट के रूल लगेंगे, अगर फ्यूचर की है तो फ्यूचर के रूल लगेंगे। अब जो टुमारो है ये फ्यूचर सिंपल टेंस की है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो माई फादर, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आपके कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल आएगी, क्या आएगी, विल। और उसके बाद में अगर हम बात करें, देखिए गो, तो गो की जो फर्स्ट फॉर्म है, गो पहले से ही फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है,
तो इस खाली स्थान में, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? आपकी विल गो आएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है वो आप अच्छे से इसको देख लीजिए कि आई खालिस्तान, उसके बाद में सो है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू द डॉक्यूमेंट टुमारो, तो यहाँ पर भी एडवर्ब क्या है? टुमारो है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई के साथ, अब आई के साथ विल लगेगा या सेल लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा? सेल लगेगा। आई और वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है आपके? सेल लगती है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, तो सो की सो ही आ जाएगी, यानी विल सो, सेल सो। ओके, एस एच ओ डब्ल्यू आएगा। ओके, उसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि वी खालिस्तान नोट, उसके बाद में खालिस्तान दे रखा है लिव फॉर जर्नी नेक्स्ट वीक, तो इसमें एडवर्ब कौन सी आपके? नेक्स्ट वीक है। क्या है? नेक्स्ट वीक। तो ये भी आपके फ्यूचर सिंपल टेंस की है, घटना इवेंट है। तो इसमें वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेल। और जो सेकंड खाली स्थान है, सेकंड जो रिक्त स्थान दिया गया है, इसमें आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो एल ई ए वी ई। ओके, उसके बाद में चार नंबर पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ही खालिस्तान बेक माई अमाउंट द नेक्स्ट वीक, तो इसमें भी कौन सी एडवर्ब दे रखी है? नेक्स्ट वीक। ये भी आपके फ्यूचर सिंपल टेंस की है, तो इसमें भी क्या करेंगे? ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपके? विल लगेगा। और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फर्स्ट, कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो विल पे। ओके, ये आपके रिक्त स्थान में फिल होगा। उसके बाद में आपके सेकंड जो टेंस है वो आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब। तो ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में जो रूल है, जो एडवर्ब है, वो आपको प्रत्येक टेंस की याद करनी है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है आपके विल और सेल। अब विल और सेल के साथ कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? आपके बी लगेगा। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो आई और वी को छोड़कर और अदर कोई सब्जेक्ट है, तो विल लगाएंगे और विल के साथ क्या लगाएंगे? बी। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो सेल लगाएंगे, सेल के साथ में क्या जोड़ेंगे? बी जोड़ेंगे। ओके, और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा? फर्स्ट फॉर्म का। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? आई एन जी का। अब इसमें आपको दो ही एडवर्ब याद रखनी है, एट दिस टाइम टुमारो और एट दिस मोमेंट टुमारो। ओके, एक तो एट दिस टाइम टुमारो है और एक एट दिस मोमेंट टुमारो है। इसके दो एग्जाम्पल हैं, तो आई, उसके बाद में खाली स्थान दिया गया है एट दिस टाइम टुमारो, और ब्रैकेट में आपको क्या दिया गया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ट्रेवल। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आई के साथ, आई आपका, आई के साथ है, सेल लगेगा या विल लगेगा, तो आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? सेल का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ट्रेवल, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम? क्या जोड़ेंगे? आई एन जी जोड़ेंगे, तो ट्रेवलिंग हो जाएगा, यानी सेल ट्रेवलिंग, ये इसमें आएगा। उसके बाद में सेकंड है, यू खालिस्तान प्ले फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो, तो इसमें भी एडवर्ब क्या आपके? एट दिस टाइम टुमारो, तो यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ आपकी विल लगेगा, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो प्ले के साथ क्या जोड़ना है? आई एन जी जोड़ना है, तो इसमें आ जाएगा आपके विल प्लेइंग। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 टू 12th नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। अब आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आपको क्या याद करना है? सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब याद करना है, उसके बाद में आपको वर्ब याद करना है। अब हेल्पिंग वर्ब है आपके विल हैव और सेल हैव। ओके, यानी विल और सेल तो लगेगा, साथ में आपको क्या जोड़ना है? हैव जोड़ना है। ओके, और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? थर्ड फॉर्म का। देखिए, परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। अब इसके रूल क्या हैं? एक तो बाई प्लस टाइम है, यानी बाई के साथ कोई भी टाइम आ गया, कोई भी समय आ गया है, तो वो कौन से टेंस में माना जाएगा? आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस में माना जाएगा।
या फिर बाय एंड ऑफ मार्च, बाय एंड ऑफ वीक, बाय एंड ऑफ संडे, कुछ भी आ जाए, कोई भी टाइम आ जाए, तो वो किस में माना जाएगा? आपके फ्यूचर परफेक्ट में माना जाएगा। अब इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो आपके यू खालिस्तान, उसके बाद में पास, टेंथ क्लास, बाई 2021। तो यहाँ पर देखिए बाई 2021, ओके, बाई के साथ समय दिया गया है, डेट दी गई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सन दी गई है, तो इस यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, और विल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, तो पास की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, पास्ट, ओके, ईडी लगाना आपको। उसके बाद में सेकंड है आपके आई होप इट, उसके बाद में खालिस्तान दिया गया है, स्टॉप रेनिंग बाय द टाइम आई लीव, ओके, तो इसमें एडवर्ब क्या है आपके, बाय द टाइम, बाय द टाइम, तो ये आपके फ्यूचर परफेक्ट में है। आई होप इट, इट के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, और विल के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, तो स्टॉप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टॉप्ड, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।